श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर बार की तरह इस बार भी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विधिवत ढंग से एवं मंत्रोच्चारण सहित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री गरुण जी भगवान को जगाया गया, जिसके बाद पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान सभी यजमानों के द्वारा भगवान का दिव्य औषधियों से स्नान करवाया गया और विश्व कल्याण की भावना से हवन यज्ञ करवाया गया। आचार्य पंडित विजय शास्त्री ने अपने संबोधन में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ बताया। उन्होंने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, शास्त्र के अनुकूल चलता है, उसकी रक्षा भगवान नारायण स्वयं करते हैं। इस अवसर पर मंदिर के संस्थापक हैप्पी बाबा, मुख्य यजमान प्रवीण कत्याल, मंदिर प्रधान पंडित वरुण शास्त्री, पंडित अंकित शास्त्री, पंडित जगन्नाथ प्रशासर, पंडित गिरिराज उपाध्याय, पंडित राधा कृष्ण शास्त्री, पंडित राहुल शर्मा, पंडित मनीष शर्मा, पंडित राहुल उपाध्याय, पंडित सूरज वैदिक, पंडित कन्हैया शुक्ला, पंडित अखिलेश मिश्रा, पंडित दीपक मिश्रा सहित यजमान अरुण, सुनीता नारंग, अनमोल नारंग, अजय, अंजलि नारंग, रेखा, संतोष रानी, रश्मि अग्निहोत्री, शशि चौहान, अंपल, गीतिका कत्याल, विक्की बिज सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। महा आरती के बाद अजय नारंग के निवास स्थान पर लंगर का आयोजन भी किया गया। जलंधर से अलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। कलामुखी मंदिर में आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा जी, गरुण जी और नारद जी की अचल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। मंदिर के संस्थापक हैप्पी बाबा जी ने सभी लोगों के सहयोग से, मंदिर के अध्यक्ष श्री प्रवीण कत्याल जी, अजय नारंग जी, सभी ने मिलकर भगवान लक्ष्मी नारायण की अचल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सानंद संपन्न कराया। बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर स्थापित हुआ है। पूरे पंजाब में इतनी सुंदर प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी। सज्जनों, वास्तव में मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक बार दिलबाग नगर एक्सटेंशन ग्रोवर कॉलोनी स्थित शिव शक्ति माँ बगलामुखी मंदिर में अवश्य पधारें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करें।